जय हिंद। तो देखिएगा, आप सभी के लिए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल में जितने भी आपके ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल प्लस टू पास कैंडिडेट हैं, तो ज़बरदस्त जो आपके लिए वैकेंसी है वो आपके BSF की तरफ से आउट हो चुकी है। तो इस भर्ती की पूरी क्या जानकारी है, कौन और कैसे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पर आपकी पहली वैकेंसी है वो है आपकी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की। सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की। इसके अलावा आपकी दो और भी पोस्ट हैं, उसकी भी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो बोथ है मेल एंड फीमेल यहाँ पर एलिजिबल हैं, जिसमें आपकी ASI की स्टेनोग्राफर की जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी 11 हैं, और ये 11 की 11 वैकेंसी आपकी ST कैटेगरी की रखी गई हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी 312 हैं। इन 312 में से UR की 154, AWS की 41, OBC के 65, SC के 38 और ST की 14 वैकेंसी हैं। जितने भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं AWS, OBC, SC एंड ST, ये सभी याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं UR के अगेंस्ट। एंड जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें भी आप UR में फाइट कर सकते हैं, अगर आपने स्कोर किया है UR के बराबर या फिर उसकी कट ऑफ से ऊपर। अगर हम बात करें आपके पे स्केल के बारे में, तो जो आपकी ASI की स्टेनोग्राफर की पे स्केल की जानकारी है वह आपके लेवल 5 के अनुसार, जो कि आपकी 29,200 रुपये से स्टार्ट होकर 92,300 तक रहने वाली है। जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी है वो आपकी बनेगी लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर आपकी 81,100 रुपये तक। जितने भी आपके अलाउंस हैं वो यहाँ पर आपको अलग से दिए जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है, जो कि आपकी हेड कॉन्स्टेबल के लिए और बोथ आपकी ASI की पोस्ट के लिए रहने वाली है, जिसमें आपको छूट भी मिलेगी, जो कि SC ST को 5 साल, OBC को एज में 3 साल, और जितने भी आपके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं आपके BSF के जो आपके सर्विंग पर्सन हैं उनको मिलाकर यहाँ पर आपको एज में छूट मिलेगी अप टू 40 साल तक, जिसमें SC ST को यहाँ पर 5 साल और ऐड कर दिए जाएंगे, आपको छूट मिलने वाली है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पर आपके पीरियड के 3 साल बाद तक जो आपकी छूट है इसमें वो दी जाएगी। लेकिन आपका मेन सवाल ये बनता है कि यहाँ पर आपकी एज काउंट किस डेट से होने वाली है, वो है आपकी 1 अगस्त 2022 के अनुसार। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल के लिए और ASI के लिए मात्र अगर आप लोग प्लस टू पास हैं तो फॉर्म यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, ASI की पोस्ट में जो आपका स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाएगा, और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट है वो आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट का। यदि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड रखी गई है 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर देखिए, आपकी ASI स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल के अलावा जो और आपकी दो पोस्ट आउट की गई हैं वो है आपकी हेड कॉन्स्टेबल, एक तो RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर, और सेकंड है आपकी RM यानी कि रेडियो मैकेनिक। इनमें क्या कुछ आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल RO की वैकेंसी है यानी कि रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है वो आपकी 982 रखी गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें आपकी ओपन वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर ओपन वैकेंसी आपकी UR की 23, AWS की 23, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये अप्लाई कर सकते हैं UR के अगेंस्ट। वहीं आपकी SC की 9 वैकेंसी और ST की 8 वैकेंसी हैं। अगर बात करें हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक में, तो यहाँ पर आपकी UR की 3 वैकेंसी, EWS की 4, OBC की 7,
एससी के 6 और एसटी की 4 वैकेंसी हैं, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल के टोटल आपके आरएम की वैकेंसी 330 वैकेंसी आपकी बनती हैं। और यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल आरओ प्लस में आरएम के लिए जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो 20 अगस्त 2022 से लेकर आपको देखिएगा 19 सितंबर 2022 तक अप्लाई करना है। और यहाँ पर 19 सितंबर 2022 जो आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसके अनुसार ही आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी, जो कि आपके 18 से 25 साल रहने वाली है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर हम बात करें आपके हेड कॉन्स्टेबल आरओ प्लस में आरएम के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर अगर आप प्लस टू पास हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, प्लस टू पास होने से पहले अगर मात्र आप लोग दसवीं पास हैं और दसवीं पास के साथ अगर आपने 2 साल का आईटी का सर्टिफिकेट का कोर्स किया है, यानी कि आपके पास आईटी की सर्टिफिकेट है किस ट्रेड में, रेडियो एंड टेलीविज़न में या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में, किसी भी आपके आईटी से अगर आपने एससीबीटी या फिर एनसीबीटी से सर्टिफिकेट आपके पास है तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिना आईटी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या आपकी कंडीशन रखी गई है, तो यदि आप लोग आईटीआई के अलावा मात्र प्लस टू पास हैं तो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। लेकिन प्लस टू पास होने पर आपकी एक कंडीशन है कि वो आपने नॉन मेडिकल से की हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए एंड जो आपके एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके पीएसएम सब्जेक्ट में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, इन तीनों के टोटल आपके 60% होने ज़रूरी हैं, तभी यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपके हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, इसमें भी अगर आपने 10वीं पास की है प्लस में आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और आईटीआई के सर्टिफिकेट न होने पर मात्र प्लस टू पास होने पर पीसीएम सब्जेक्ट से टोटल 60% के साथ तब भी यहां पर आप लोग एलिजिबल होंगे। यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका पहला फेज होगा। सेकंड फेज में आपका जो प्रोसेस है वो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके बाद आपका होगा जो टाइपिंग टेस्ट है स्टेनोग्राफर का एएसआई के लिए, और यहाँ पर आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पर अगर इन सभी प्रोसेस को, इन सभी स्टेज को आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आपकी आउट कर दी जाएगी। ओके, तो ये थे आपकी पूरी जानकारी बीएसएफ में जो आपके वैकेंसी आउट की गई हैं, एएसआई की, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की, आपकी हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक की और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर की। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी और भर्ती के बारे में आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसके अलावा आपकी हर एक स्टेज में जो आपकी प्रोसेस होने वाली है उसकी डिटेल में जानकारी आपको हमें आपको अगली वीडियो में बताते रहेंगे, तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। जो भी आपकी अपडेट होगी बिल्कुल टाइम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।